क्या आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है? जब कोई भी नई सिचुएशन आपको दी जाती है, क्या आप उस सिचुएशन को समझ के उसके अकॉर्डिंगली आप कोई सोल्यूशन डिवाइस कर पाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या इंजीनियरिंग की फील्ड आपका पैशन बन सकती है? कैन इंजीनियरिंग बिकम योर पैशन? सो इस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए मैं एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। अगर इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपके हाँ में होंगे तो इसका मतलब होगा कि इंजीनियरिंग आपका पैशन बन सकता है, अदरवाइज आपको किसी और डोमेन में अपने लिए करियर तलाश करने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू अ कीन ऑब्जर्वर? इंजीनियर्स को बहुत ही कीन ऑब्जर्वर होना पड़ता है अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए। सो अगर आप एक कीन ऑब्जर्वर हैं तो यस, इंजीनियरिंग आपका पैशन बन सकता है। एंड डू यू हैव एन इंक्विजिटिव नेचर? क्या आपकी बड़ी मुतजस्सिस नेचर है? आपको आपको चीज़ों की डिटेल में जाना अच्छा लगता है, अननोन फैक्ट्स को एक्सप्लोर करना आपको अच्छा लगता है। अगर आपकी नेचर में तजस्सुस पाया जाता है तो भी आप एक बड़े अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। एंड नंबर थ्री, डू यू हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी? क्या आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है? जब कोई भी नई सिचुएशन आपको दी जाती है, क्या आप उस सिचुएशन को समझ के उसके अकॉर्डिंगली आप कोई सोल्यूशन डिवाइस कर पाते हैं, उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन डिवाइस कर पाते हैं? इफ़ येस, देन इसका मतलब है कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है और इंजीनियरिंग आपका पैशन बन सकता है। एंड आर यू अ गुड टीम प्लेयर? क्योंकि इंजीनियर्स जो ग्रेट इंजीनियर्स होते हैं वो ग्रेट टीम प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि इंजीनियर अकेला काम तकरीबन नहीं करता। बहुत कम इंजीनियरिंग्स हैं जिसमें इंजीनियर अकेला कोई सिग्निफिकेंट काम करता है, लेकिन इंजीनियर हमेशा एक बहुत बड़ी टीम के साथ काम करता है, राइट? और अगर कोई अच्छा टीम प्लेयर नहीं है, उसका एक ग्रेट इंजीनियर बनना तकरीबन नामुमकिन है। एंड नंबर फाइव, डू यू लाइक टू फेस चैलेंजेस? क्या आपको चैलेंजेस फेस करना पसंद है? इफ़ येस, तो भी इंजीनियरिंग आपका पैशन बन सकता है। एंड नंबर सिक्स, डू यू हैव गुड एनालिटिकल स्किल्स? क्या आपकी जो एनालाइज करने की एबिलिटी है वो अच्छी है? इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने की एनालिटिकल स्किल्स अगर ओवरऑल आपकी अच्छी हैं, इफ़ येस, तो भी आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। एंड डू यू लव फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स? अगर आपको अपने इंटरमीडिएट या ए लेवल के एग्जाम के दौरान अगर आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स पसंद हैं, इसका मतलब भी ये है कि आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाके अच्छे रह सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर आपका येस में है, इट मीन्स कि आप ऑल द वे एलिजिबल हैं टू बिकम अ गुड रादर अ ग्रेट इंजीनियर, गो फॉर इट। और अगर इन क्वेश्चंस का आंसर आपका नो में है तो आई वुड एडवाइज यू कि आप इंजीनियरिंग को छोड़ के किसी और फील्ड का इंतखाब करें। थैंक यू वेरी मच।